आज मैं रेकी के जो ग्रैंड मास्टरशिप के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, ये सोच लीजिए आप, मैं उनको बताने वाली हूँ। क्योंकि रेकी ग्रैंड मास्टर क्या उन्हीं को ही करना चाहिए जिन्होंने आगे लोगों को रेकी सिखानी है, या फिर अन्य जो सामान्य अपने लिए रेकी यूज कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं? आखिर क्या ऐसा इसमें खास होता है जो कि इसे इस लेवल पे ले आता है, इतने ऊंचे लेवल पे ले आता है कि जब आप रेकी ग्रैंड मास्टर कर लेते हैं तो आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं एनर्जी के? तो चलिए आज मैं इसी वीडियो के बारे में, इसी बात के बारे में बताने वाली हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमा जोशी, जोशी रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं रेकी के जो ग्रैंड मास्टरशिप के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, ये सोच लीजिए आप, मैं उनको बताने वाली हूँ। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि रेकी ग्रैंड मास्टर वही करें जिन्होंने रेकी हीलिंग आगे अपने प्रोफेशन के लिए ले ली है, वो लोग ना करें जो अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब जो पहली बारी मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि रेकी हीलिंग क्या होती है, या फिर जो देख तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा उन्हें कंफ्यूजन है। जैसे मोबाइल की तरंगे हमारे वातावरण में फैली हुई है, वैसे ही एक तरंगे हैं प्राण ऊर्जा, जो कि पूरी तरीके से पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो है रेकी की तरंगे। उनसे हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं, जैसे मोबाइल की कंपनियों का सिग्नल मिल जाता है ना फोन के साथ, वैसे कि हम उनके सिग्नल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उस प्राण ऊर्जा को लेके हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। हम अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं और लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ठीक करते हैं अपने सातों चक्रों को हील करके और अपनी डिस्टेंस रेकी करके। हम खुद की भी हीलिंग कर सकते हैं और औरों की भी कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की टेक्निक काम करती है ना, वैसे ही ये टेक्निक काम करती है। यहाँ पे मोबाइल की जगह हम खुद हैं, और इसमें जरूरी नहीं कि आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं उसके सामने आपको आना है, या फिर आप हीलिंग करवा रहे हैं आपको पास आना है। आप रेकी हीलिंग दूर से आराम से सीख सकते हैं क्योंकि ये काम करती है आपके शरीर के ऑरे में। ऑरा मतलब आपके शरीर की एनर्जी, जो कि आपके शरीर से इंटरनल ऑरा, जो कि 3 से 5 इंच की दूरी पे, और आपका आउटर ऑरा है 5 से 8 फुट। तो हमने काम करना है इंटरनल ऑरे पे, ठीक है ना? तो इंटरनल ऑरे पे रेकी के हम सिंबल्स को बनाते हैं, उसके बाद अपने सातों चक्रों को हम हील करते हैं। ये टेक्निक है, कोई जादू नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सोचें कि इसमें कोई रहस्य है। हाँ, ये वातावरण में फैली हुई तरंगे जरूर रहस्य हैं, जैसे बहुत सारे हम काम करते हैं वैसे ही हम रेकी हीलिंग भी करते हैं। ठीक है, रेकी हीलिंग को पहले तो आप बिल्कुल अजीब चीज नहीं समझिए, एकदम टेक्निक समझिए, ये आप समझे। ठीक है, आप ये सब सुन के बहुत खुश होते हैं, रेकी सीखते हैं फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल। फर्स्ट लेवल क्या है, आपकी नेगेटिविटी निकालता है। सेकंड लेवल से आप अपने 7 चक्रों को हील करते हैं और साथ में आप औरों की भी हीलिंग कर सकते हैं और खुद की डिस्टेंस रेकी कर सकते हैं। खुद की डिस्टेंस रेकी करने से क्या होता है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, वो हम रेकी हीलिंग में डाल के उनके बारे में कर सकते हैं, अफर्मेशंस दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं अपने जीवन के लिए, खुद को अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन सारी चीजों को डाल के ट्रेन कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी आत्मा को हम एक फॉर्म में ला सकते हैं जो हम चीजें चाह रहे हैं। एक्चुअल में जो हमारी आत्मा अंदर से चाह रही है, हम वही चीजें उसके लिए करेंगे। ये बहुत सारी मैंने वीडियोस में बताया, जिनको कंफ्यूजन लगेगा वो देखेंगे मेरी रेगुलर वीडियोस तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? और देखिए, अब मैं बात करूंगी मास्टर लेवल की, फर्स्ट और सेकंड लेवल की। अब मास्टर लेवल में बहुत सारी चीजें हमें डाइक्योमो सिंबल मिल जाता है, हम हायर एनर्जी से जुड़ जाते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड लेवल में हम मोबाइल का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, और मास्टर लेवल में हमें वाईफाई मिल गया, वाईफाई मिल गया, हम इतनी जल्दी डाउनलोड सारी चीजें कर लेते हैं ना, तो वैसे ही हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। धीरे धीरे हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, बहुत सारी चीजें हम कईयों की खट्टे हीलिंग कर लेते हैं, कार्मिक हीलिंग है, बहुत कुछ है उसमें, और इन सब चीजों से हमें और एनर्जी बढ़ती हुई लग रही है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि भाई जिनको सिर्फ प्रोफेशन के लिए करना है वही ग्रैंड मास्टर करेंगे, क्योंकि देखिए एनर्जी लेवल तो आपका बढ़ जाता है, काफी टाइम तक आप करते रहते हैं वो सारी चीजें आप समझ भी जाते हैं, करने लग जाते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि ग्रैंड मास्टरशिप वही करें जिन्होंने आगे प्रोफेशन करनी है, इस चक्कर में आप
आगे नहीं करते। एक्चुअल में क्या होता है कि आपका एनर्जी का लेवल जब आप मास्टर्स जाते हैं और बढ़ता है, जब आप ग्रैंड मास्टर करेंगे तो और बढ़ जाता है। आप एनर्जी को फील करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऑरा भी थोड़ा बहुत दिखने लग जाता है, आप इस प्रैक्टिस में आ जाते हैं, आपको नेगेटिविटी का आभास होने लग जाता है, आप बहुत सारी चीजों को पहले से ही समझने लग जाते हैं। जो ये रहस्य आसपास फैले हैं ऊर्जाओं के थ्रू हमें इंडिकेशंस देते हैं, वो भी आपको समझ आने लग जाता है। आपका शरीर ठीक रहता है, आप अपने दर्द को ठीक कर लेते हैं, आप अपने अपनों को सपोर्ट करते हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर लेते हैं, अपने माँ बाप को सपोर्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट कर पाते हैं। कोई भी दूर हो आपको डर नहीं लगता, आप कहीं अकेले हो, परेशानी में हो, आप खुद के लिए कुछ भी कर सकते हैं रेकी के थ्रू। ठीक है, तो आप उस लेवल पे तो पहुंच जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ग्रैंड मास्टरशिप में सिर्फ यही नहीं होता कि आप लोगों को रेकी सिखाएंगे, इसमें बहुत सारी चीजें, एक तो शॉर्टकट टेक्निक्स हैं। अभी आप पहले जब अभी हीलिंग करते हैं फर्स्ट लेवल में, आपको लगभग 1.5 घंटा लग जाता है अपने खुद की हीलिंग करने में। क्यों? क्योंकि आप 24 अपने पॉइंट्स को हील कर रहे हैं, फिर आप 7 चक्र करते हैं तो 21 मिनट करते हैं। मास्टर्स में और टाइम कम हो जाता है, आप उसी 21 मिनट में ग्रिड में बहुत सारे लोगों की इकट्ठे हीलिंग कर सकते हैं, या फिर आप डिस्टेंस रेकी कर सकते हैं अलग अलग थ्री बॉल बना के बहुत सारे लोगों की 5-5 मिनट करके। लेकिन आपको 7 चक्र की हीलिंग फिर भी करनी है, ये नहीं कि आप वो छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये वाला आपका लेवल आ जाता है। अब आप आ जाते हैं ग्रैंड मास्टरशिप में। ग्रैंड मास्टरशिप में और ज्यादा शॉर्टकट टेक्निक्स है हीलिंग करने के, जिससे कम समय में आप ज्यादा लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप अपने लिए बहुत सारी और नई तरीके से प्लान कर सकते हैं कि हम कैसे हीलिंग करें, और आप अपने सिंबल्स बना सकते हैं। हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है सिंबल बनाने की, जो हमारे पास सिंबल है हम उसी में ही बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ रिजल्ट अच्छे चाहिए। हमें ये नहीं है कि हम उन बातों के पीछे भागे कि हम ये कर ले, हम वो कर ले, एनर्जीज हमें खुद ही गाइड करती है। अब मास्टर में एक मैं बताती हूँ कार्मिक हीलिंग, जहां आप अपनी पास्ट की चीजों को भी हील करते हैं, जो इस लाइफ में ही आपने पास्ट की चीजें की है, और आप अपने फ्यूचर को भी कहीं ना कहीं हील करने की क्षमता रखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्मिक हीलिंग, आप अपने कर्मों को हील करते हैं जो ऑलरेडी आपने पास्ट में कर दिए। ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हैं और आप फ्यूचर में उसकी वजह से आने वाली प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। लेकिन देखिए ग्रैंड मास्टरशिप में क्या कमाल है, आपकी पास्ट लाइफ में पिछले जन्म में जो चीजें आपने करी, आप जिनकी वजह से आप परेशान हैं, जिनको हम अल्टीमेट मानते हैं कि हमारे कर्मों की वजह से हम सब झेल रहे, तो आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को भी हील कर सकते हैं। आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को जाके हील करेंगे और फिर अपना आप उन चीजों से कहीं ना कहीं फ्री होते जाएंगे। ये कितनी बड़ी चीज है कि सोचिए, लेकिन आपको उस लेवल तक जाना होता है। ये नहीं कि आपने एक दिन में ही सीखी और अगले ही दिन आप स्टार्ट भी कर देंगे और करने भी लग जाएंगे। अगर आपका एनर्जी लेवल होगा तो बिल्कुल आप कर लेंगे, अगर एनर्जी लेवल नहीं होगा तो 21 दिन 40 दिन कैसे भी आप उस लेवल पे पहुंचेंगे और फिर आप वो चीजें करनी शुरू कर देंगे। ये है कार्मिक मेडिटेशन। ये कार्मिक मेडिटेशन जो मैं कराती हूँ वो बहुत ही यूनिक है इन सारी चीजों के लिए। तो अब आप ये देख लीजिए कि आप किस तरीके से अपने आप को हील करते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ के बारे में समझने लग जाते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचने लग जाते हैं। हम उन चीजों को भी हील कर पाते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। शॉर्टकट टेक्निक्स हमें मिल जाती है और हम एनर्जी को प्रॉपर देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं किस कलर की एनर्जी है। हमें धीरे धीरे ये आभास होने लग जाता है किसका ऑरा कैसा है, रेड है, ब्लू है, गोल्डन है, खुद का ऑरा पता लगने लग जाता है। हम जब मेडिटेशन करते हैं हमें अपने चक्रों का पता लगने लग जाता है, हमें हीट आभास होता है, कैसी हीट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और एकदम से पता चल जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति आया है, आप उसे बात कर रहे हैं फोन पे, उसी से ही आप काफी आभास ले लेते हैं। आप उसकी फोटो देखेंगे तो ही अंदाजा हो जाएगा क्या प्रॉब्लम है। आपका एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप चीजों को बहुत शार्पली देख सकते हैं। वो एनर्जीज जिन्हें आप सिर्फ फील कर रहे थे, बेचैन हो रहे थे, कुछ तो है,
समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, होता है ना ये आपके साथ, और ज्यादा बेचैनी होती है फिर जब आप देख नहीं पाते और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब वो धुंधला धुंधला नहीं दिखता, धीरे धीरे क्लियर दिखने लग जाता है। लेकिन आपको अपने ऊपर टाइम देना पड़ता है, 21 मिनट अपनी हीलिंग, फिर डिस्टेंस हीलिंग 5 मिनट अपनी करनी पड़ेगी आपको, और फिर उसके बाद आप मेडिटेशन भी करेंगे और भी चीजें साथ में करते रहेंगे। देखिए आप जितना अपने ऊपर अपनी ऊर्जाओं पे ध्यान देंगे और आप जितना अपनी ऊर्जाओं पे काम करेंगे ना, उतना आप अपना अच्छा लेवल अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 20 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो ही आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, अगर आप उसमें से 15 घंटे भी पढ़ेंगे ना और आप बाकी अपनी एनर्जीज को बढ़ाने में लगाएंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, आपके दिमाग शांत रहेगा, बहुत सारी उन चीज़ों से बच सकेंगे जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम आपको जबरदस्ती लगातार पढ़ने से आ रही है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने से आ रही है। हम लाइफ में एक ही ढर्रे में चलते रहते हैं, क्लीननेस नहीं करते, अपने लेवल को ही नहीं बढ़ाते। सोचिए ना, अगर हम जैसे हम पैदल चल रहे हैं और हमने बस ले ली, हम कितनी जल्दी जाएंगे, हमने एरोप्लेन ले लिया, अब ये तो एरोप्लेन की तरह काम करती है, ग्रैंड मास्टरशिप बिल्कुल बदल जाती है आपकी एनर्जीज, आपके मन से डर चिंता घबराहट बहुत लेवल तक निकल जाती है, आप खुद ही गंदी से गंदी बुरी से बुरी सिचुएशन में खुद को हैंडल करना सीख जाते हैं, और वो शॉर्टकट टेक्निक्स आपके बहुत काम आती हैं। जब आपको लगता है कि टाइम नहीं है, कम टाइम है, मैं क्या करूं, और पावर एकदम से बढ़ जाती है, एक ग्रैंड मास्टर की पावर और एक जो आप सीख कर रहे हैं मास्टर की पावर में बहुत फर्क होता है। तो आप ये देखिए कि अगर आपको प्रोफेशन के लिए नहीं भी करनी है लेकिन आप आध्यात्मिक लेवल पे आगे जाना चाहते हैं, नहीं भी अगर आप जाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आपके आसपास जो घट रहा है, जो सिचुएशंस घट रही हैं, आप उनको समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आखिर फाइनली आसपास क्या हो रहा है, तो आप ग्रैंड मास्टरशिप करिए और करने की सोचिए, क्योंकि आप अपने आप को उस लेवल पे ले आएंगे जब आप एनर्जीज को अच्छे से महसूस करने लगें। आपको बहुत सारी चीज़ें जीवन के बारे में क्लियर हो जाएंगी, जो आपके बारे में क्लियर आपको हो ही नहीं रही थी। देखिए हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ, ठीक है, हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसके लिए, फ़ोन में बहुत अच्छे से अच्छा लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया एक एक चीज़ हम चेक करते हैं, अच्छे से अच्छा हमारा टीवी होता है, आज की डेट में तो टीवी भी कनेक्ट हो जाते हैं हमारे मोबाइल से, तो हम बिल्कुल एंड्रॉयड आ जाता है फ़ोन उसमें टेलीविजन में, तो हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। जब हम इतनी सारी चीज़ें टेक्निक लेकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने लिए, अपने शरीर के लिए अगर कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हैं तो क्या बुराई है, कोई बुराई है इसमें, कोई भी बुराई नहीं है, तो हमें इस टेक्निक को यूज़ करना चाहिए जिससे हम अपने शरीर को ज़्यादा एनर्जेटिक कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उन ऊर्जाओं से जिनसे जोड़ने के लिए हम तरसते रहते हैं। तो देखिए रेकी अगर आप सीख रहे हैं ना तो अपने डाउट्स को निकालिए, ये टेक्निक है ये समझिए, और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मिलेंगे ही ऑब्वियस सी बात है, नहीं मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो आप चाहते हैं कि हाँ मैं एनर्जी के और लेवल पे जाऊं तो आप ग्रैंड मास्टर भी कीजिए। और देखिए मैंने तो इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रखा है, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है रेकी सबको आनी चाहिए, मुझे लगता है हर व्यक्ति रेकी करे, हमारे देश में हर व्यक्ति रेकी करे ताकि वो खुद अपना गुरु बन जाए, कोई और उसको पथ भ्रष्ट ना कर सके, क्योंकि जब आप रेकी करने लगेंगे ना आप खुद ही अपने आप को गाइड करेंगे, आप सेल्फ गाइडेड हो जाएंगे, है ना, बहुत अच्छी चीज़। तो देखिए बिल्कुल डिस्काउंट दे रखा है, मैं अगर आप टोटल कोर्स मुझसे करेंगे रेकी का तो फर्स्ट से लेकर फोर्थ लेवल तक 25,000 में है, और अगर आप सिर्फ ग्रैंड मास्टरशिप करेंगे वो 20,000 में। तो ये देखिए कि आपको इतने कम फीस में इतना ज़्यादा बढ़िया कोर्स मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए, कि जब आप अपनी एनर्जीज को समझ सकते हैं, अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहूँगी, आप कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकें यही आप सोचिए और उसकी तरफ आप आगे बढ़ते रहिए। तब तक मेरी वीडियोस देखते रहिए, मैं रमा जोशी।